हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आइलम माइंड टेक में। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लाया हूं बहुत ही बढ़िया ऐप, जहां पे आप व्हाट्सअप का स्टेटस आप बना सकते हो बहुत ही आसानी भी में। यहां पे आपने करना कुछ नहीं है, आपको सब चीज़ बना बनाया हुआ मिलेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना इमेज डालना है। आपको यहाँ पर म्यूज़िक भी सब लगा हुआ होगा, लिरिक भी यहीं पर सब चीज़ अवेलेबल होगा, और तो और यहाँ पर आपको बहुत सारे लैंग्वेजेज में अवेलेबल होगा। इसके साथ ही आपके मूड के हिसाब से भी अवेलेबल होगा। इसके साथ अगर हम बात करें लव सैड, इसके साथ अगर आप यहां पे देख सकते हैं लव, ये थोड़ा सा ऐप फ्री है तो ये इसमें ऐड वगैरह आएंगे, तो इससे आप बेफिक्र रहिएगा, इसे आप स्किप कर लीजिएगा। जैसे कि ये देखिए, लव पे मैंने एक बार क्लिक किया तो इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको ओपन होने में। तो आपने जब तक ये ओपन नहीं होता आपने थोड़ा सा वेट करना होगा इसमें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस रेड वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन वाले बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और ये वीडियो का आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं वो कौन सा ऐप है और आपने कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, इस ऐप का नाम है माई पिक स्टेटस। आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके बहुत ही आसानी में इसे इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी मैं इस ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। आप जैसे ही फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ सेकंड का आपने ये टाइम लेगा कॉन्फ़िगर के लिए, क्योंकि आपके अगर आपके नेट की स्पीड भी अच्छी रही तो कॉन्फ़िगर तुरंत के तुरंत हो जाएगा, बट अगर आपके नेट की स्पीड थोड़ी सी भी स्लो रही तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही ओपन होता है तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस गाने के आ गए हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे गाने मिल जाएंगे। इनमें गानों में करना क्या है, इनमें आपको जो इमेज दिख रहा है आपने इमेज तो दूसरे का होगा, बट आपने करना क्या है आपको मैं अभी प्रोसेस का बता दूंगा। आपने कैसे अपने इमेज को लगा के अब बहुत ही अच्छे से आप कहीं पर भी इसे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अब जहाँ पे भी किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पे आपको एक बार बिल्कुल क्लियर करा दूँ, यहाँ पे आपको कौन कौन से ऑप्शन मिल जाएंगे, कौन कौन से टाइप के गाने मिल जाएंगे, जैसे कि सैड, गुजराती, तमिल, तेलुगु, अनप्लग्ड, रॉक, पंजाबी, मराठी, मलयालम, इसके साथ ही कन्नड़, अरेबिक, बर्थडे सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, डायलॉग्स, इसके साथ ही रिमिक्स, गॉड, नेपाली, बंगाली, फेस्टिवल, और आपको इंडिपेंडेंस डे, वेरियस, न्यू ईयर, रिपब्लिक डे, राजस्थानी, भोजपुरी, रेट्रो, ये सब सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे लव पे लेके आया हूँ, तो किसी एक को डाउनलोड आपने कर लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो जैसे कि ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है शाहरुख खान का एक गाना, यहाँ पर आपको दिख रहा है दो पल। यहाँ पर आपने सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो प्ले तो करूँगा, बट मैं यहाँ पर ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगा, तो बट आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिए। आपको यहाँ पे जो भी गाना आपको यहाँ पे अच्छा लगे, तो जैसे कि ये देख लीजिए, मैंने मान लीजिए दो पल का यही, इस पर आपने सिंपली यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे कि ये देखिए, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। आपने ये जब तक 100% नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपने तब तक वेट करना है सिंपली। जैसे ही 100% हो जाएगा तो फिर आपको मैं इसका ऐप का कमाल आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही हो जाएगा ये ऐप, जैसे कि 100% हो जाएगा यूज़ नाउ, तो आपने सिंपली यूज़ नाउ पे क्लिक कर देना है। यूज़ नाउ पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका पूरा का पूरा पेज खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चूज़ योर पिक्चर्स, तो सिंपली आपने चूज़ योर पिक्चर्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जहाँ पे भी आपके फ़ोटोज़ सारे रखे हुए हैं, जहाँ पे भी आपने सेव करके रखे हुए हैं, तो वहाँ से आप फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि ये देखिए, मैंने एक यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लिया, दो, इसके साथ ही तीन, चार, इसके साथ ही पाँच, छः, और इसके साथ ही एक, और मैंने सात इमेज मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप सात इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अगर आपको रिमूव वाटरमार्क, अगर आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए तो आपने एक ऐड वॉच करना होगा। जैसे कि चलिए, हमें जो तो वाटरमार्क चाहिए ना भी, तो हमने वॉच ऐड पे क्लिक कर दिया है। जैसे कि ये देखिए 5 सेकंड का होगा, इसके बाद मैं धीरे से इसको स्किप कर दूंगा। जैसे कि ये देखिए 2 सेकंड का हो गया है, अब इसे ये 5 सेकंड का हो चुका है पूरा, तो मैंने स्किप कर दिया है। जैसे ये पूरा वहाँ पे 100% होगा तो मैं फिर से आपको यहाँ पे पूरा 100% हो जाएगा तो फिर मैं फिर से एक बार वीडियो को ओपन करूँगा।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे रीडायरिंग वीडियो 2x2 यहाँ पे हो चुका है। जब तक 2x2 नहीं होगा तब तक आप वीडियो को वेट करिएगा जब तक ये पूरा का पूरा रीडायरेक्टिंग 100% ना हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी तरीके से सेव हो चुका है। अगर आप इसे WhatsApp पे शेयर करना चाहते हो तो इंस्टेंट अगर आप शेयर करना चाहते हो तो तुरंत के तुरंत ही अगर आप चाहते हो तो WhatsApp पे शेयर भी कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए मैंने इसे WhatsApp पे शेयर कर दिया है। WhatsApp पे शेयर करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ ये वीडियो कहाँ पे सेव हुआ है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपने जैसे ही इसको पूरी तरीके से सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद आपने आ जाना है अपने फाइल मैनेजर में। जैसे कि ये देखिए मैं फ़ाइल मैनेजर में आ गया। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपने यहाँ पे स्टोरेज पे आना है। स्टोरेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इसका फोल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा पेज को स्लोली माय पिक्स स्टेटस सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 3 इमेजेस बनाए हुए हैं, तीनों इमेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। लेकिन आपको जो यहाँ पे जो टॉप पे दिख रहा है ये वाला हमारे इमेज जो बनाया हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इमेज मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है वीडियो को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली प्ले करके। म्यूजिक तो बज रहा है बट मैंने ईयरफोन लगाया हुआ है तो इसकी वजह से ये म्यूजिक आपको सुनाई नहीं दे रहा, बट बाकी आपके यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका लिरिक्स जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं करना, सिर्फ वहाँ पे अपना इमेज ऐड करना है और अपना इमेज ऐड करने के बाद आप बहुत ही अच्छे इंजॉय कर सकते हो आप अपने खुद का स्टेटस बना के, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से आप अपने व्हाट्सअप का स्टेटस आप अपने खुद से ही बनाइए, वहाँ पे आपने करना कुछ नहीं ज़्यादा, सिर्फ अपना फोटो ऐड करना है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।